डॉक्टरों को एक मान सम्मान को लेकर दिया जाता है, वो एनपीए को जो सरकार ने निर्णय किया है उसको वापस लेने का, उससे जो है डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा हताशा है और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। इसी बात को लेकर हम सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारी मांगों को माने। इसके अलावा 4/9/14 का जो मैटर था वो सबके लिए बंद कर दिया करके बोल रहे हैं, पर हमारी ये मुख्य तौर पे डिमांड है कि हमें भी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो है स्कीम के अंदर लाया जाए। ये ना कि एक डॉक्टर 28-29 साल के उम्र में जब वो एज एमओ अपॉइंट होता है और वो 58-60 साल की उम्र में एमओ ही रिटायर हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी बाधा हमारे करियर में रहती है। वैसे भी जो हमारे प्रोफेशन में लोग ज्वाइन करते हैं अपने करियर बनाने में, वो एवरेज किसी भी दूसरे स्ट्रीम के व्यक्ति से 5 साल लेट होते हैं। 29 साल की उम्र में अपने लाइफ में जाके जॉब पा पाते हैं, उसके बाद करियर बनाना तो और भी ज़्यादा टाइम उसमें निकट जाता है। स्पेशलाइजेशन करना, सुपर स्पेशलाइजेशन करना, फिर एक किसी इंस्टीट्यूट में अपना काम करना और काम से ये लोगों तक पहुंचाना कि हमें ये काम आता है और आप हमारे सेवाएं ले सकते हैं। तो उन्हीं मांगों को लेकर हम सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए, ताकि लोगों को किसी तरह से हतोत्साहित ना होना पड़े, डॉक्टरों को किसी तरह से डिसअपॉइंटमेंट ना हो और जो हताशा डॉक्टरों में फैल रही है वो ना हो। जैसे हमारे स्टेट बॉडी ने हमारे को निर्देशित किया है कि 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हम पेंड ऑन स्ट्राइक करेंगे, और हम लोगों ने उस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया है कि हम 2 हफ्ते का नोटिस भी सर्व करेंगे सरकार को। मास कैजुअल लीव भी हम प्लान कर रहे हैं, तो देखो कैसे बात बनती है सरकार के साथ। हम बहुत ही होपफुल भी हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी मांग जो है वो जल्दी से जल्दी मान लेंगी और हमें ये ऐसी कोई नौबत ना आए कि हमें मास कैजुअल लीव देने पड़े या कोई इससे और भी बड़ा हार्ड स्टेप लेना पड़े। ये हमारे पूरे स्टेट में ये बिल्कुल एक तरफा डिसीजन है कि हम हर प्रकार के इमरजेंसी को हर किसी तरह से प्रभावित नहीं होने देंगे। इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल 24 घंटे बहाल रहेंगी। इवन ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग पीरियड जो हमारा 2.5 घंटे का जो पेंड ऑन स्ट्राइक होगा, उस दौरान भी जो भी इमरजेंसीज पड़ती हैं वो उन्हें पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाया जाएगा।